सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे किचन में पक रही हैं जी कलेजियाँ। कलेजियाँ हमारे घर में दो किस्म की पकती हैं, एक तो हम तवे के ऊपर बनाते हैं और एक हंडिया में बनाते हैं जैसे आम पकती हैं। और आज जिस तरीके के साथ मैं आपको कलेजियाँ बनाना सिखाऊंगा वो है तवे के ऊपर पकाना। आज मैं आपको तवे के ऊपर कलेजी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलें देखते हैं कि कलेजी तवे के ऊपर किस तरह पकती है। ये हम अज्जा देख लें कि कलेजी पकाने में कौन कौन से अज्जा यूज़ होंगे। सबसे पहले मैंने कलेजी ली है, कलेजी मैंने आधा किलो के करीब ली है। उसके बाद एक लेमन लिया मैंने, ठीक है जी। उसके बाद एक कप के करीब मैंने दही लेनी है। इसके अलावा अदरक लहसुन का एक चम्मच है, पेस्ट मैंने ली है अदरक और लहसुन की। उसके अलावा थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है, एक चौथाई होगी चम्मच की। आधा चम्मच जो है सुर्ख मिर्च ली है मैंने। इसके अलावा आधा चम्मच नमक का लिया मैंने, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधे चम्मच के करीब ही मैंने कोरमा मसाला लिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक बॉल के अंदर हम डालकर कलेजी के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने दही ले लेनी है इसके अंदर जी। दही मैंने ले लिया तकरीबन एक कप के करीब, ठीक है। इसके अंदर मैंने हल्दी डाल दी, सुर्ख मिर्च है वो डाल दी, सूखा धनिया है वो डाल दिया मैंने, कोरमा मसाला है वो डाल दिया मैंने, नमक है नमक डाल दिया मैंने और अदरक लहसुन की पेस्ट है वो डाल दिया मैंने। और अब इसके अंदर मैं लेमन डालने लगा हूँ। अब इसके अंदर लेमन का मैं रस डालने लगा हूँ जी। ये लेमन मैंने लिया और ये देखिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिएगा वरना रहने दें। ये मैंने लेमन डाल दिया जी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रहूँगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, अब इसके अंदर मैं कलेजी डालने लगा हूँ। कलेजी को मैंने अच्छी तरह धो लिया, अब मैं इसके अंदर ये कलेजी डालने लगा। डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसे मैं आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दूँगा इसी के अंदर, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह रच जाए। और उसके बाद इसे मैं तवे के ऊपर पकाना शुरू करूँगा, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसे मैं छोड़ दूंगा आधे पौने घंटे के लिए। अब मैंने एक तवा ले लिया जी। तवे के ऊपर तकरीबन आधा कप के करीब या आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने इसके ऊपर घी डाल दिया। घी ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने ऑयल लिया, आधे कप से थोड़ा सा कम होगा। अब ये गर्म होता है, इसके अंदर मैं अपना कलेजी जो मैंने बना कर रखी है उसे मैं डालूंगा। अब ये देखें जी, ये जो मैंने कलेजी का बनाया हुआ था सारा, इसे तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं इसे उंडेलने लगा। अब ये इसके अंदर मैंने उंडेल लिया। अब ये मैंने उंडेल लिया, अब इसे मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा क्योंकि मटेरियल ज़्यादा और ये तवा छोटा, तो इसलिए मैं चारों एक जैसा हो जाए ये सारा।
और यहाँ पर आपको लाल नजर आ रहा था वो मिर्चें थी दही के साथ। अब ये हो गया जी। अब इसके ऊपर हम एक ढक्कन दे देंगे, जो ये 10 से 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। आप 10 से 15 मिनट ये पकता रहेगा। ये मैंने ढक्कन दे दिया। अब ये 10 से 15 मिनट पकेगा और जैसे ही पानी इसका सूखता है तो फिर इसे हम भूनेंगे। अब 5-10 मिनट हो गए हैं, इसे मैं उतार कर देखता हूँ। ये देखें जी, इससे अच्छी तरह वो खुशक हो गया पानी सारा इसके अंदर से। अब इसे मैं भूनूंगा। आंच जो है वो नीचे से मैंने थोड़ी सी काम कर लिया। ये इसके अंदर ग्रेवी रहेगी, कोई पानी नहीं हमने डालना, कोई चीज़ नहीं डालनी, दही के अंदर ही ये पका। और इसे अभी हम 10-15 मिनट भूनेंगे। भूनते हुए अगर थोड़ा सा मसाला नीचे से लगे तो आपने साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालते रहना ताकि मसाला जो आपका नीचे से लगे ना, और साथ में ये चम्मच आपने फेरते जाना। ये सिर्फ इसलिए है कि जो नीचे ये लगना शुरू हो जाएगा फिर ये लगेगा नहीं। ये ले लीजिए, अब पक कर तैयार हो गया। मैंने इतनी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर, ज़्यादा इसे खुशक नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में याद रखे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।